दोस्तों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेलने से पहले की वीडियो और तस्वीर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। इस वीडियो की खास बात थी कि नईन वेलियर जोड़े इमामुल हक अपनी नई दुल्हनिया के साथ नजर आए, जबकि इसके साथ साथ शाहीन शाफरीदी की अपनी बेगम अनशा अफरीदी के साथ देखे गए। मोहम्मद हफीज अपनी बेगम के साथ भी नजर आए, जबकि आखिर में एंट्री पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की हुई, जो कि सिर्फ अपनी बीवी की बजाय अपने बहन के साथ थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर बॉबी को सलमान खान के साथ तशबीह दी गई, जैसा कि सलमान खान भी कमवारे होने की वजह से अदाकारों से लग छलग नजर आते हैं, इसलिए बाबर आजम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले दूसरे खिलाड़ियों के साथ साथ अलग नजर आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से सिडनी के लिए बरास्ता दुबई रवाना हुई। कौमी स्क्वाड सिडनी से कैनबरा पहुंचेगा। पाकिस्तान टीम का कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच भी शेड्यूल है। पाकिस्तानी स्क्वाड में 18 खिलाड़ी शामिल हैं। 17 रुकनी मैनेजमेंट के दो अरकान डॉक्टर सोहेल और शाह तस्लम स्क्वाड को बाद में ज्वाइन करेंगे। बैटिंग कोच एडम होलेक और हाई परफॉर्मेंस कोच साइमन ग्रांट ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टी टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा।